Hello friend, myself Aditya and welcome to Chhattisgarh Pathshala channel. चलिए previously हमने बात किया था कुछ shortcut tricks के बारे में, जो shortcut keys हैं उनके बारे में बात किया था हमने. इस वीडियो में हम बात करेंगे computer के कुछ full forms के बारे में, जो कि व्यापम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछने की संभावना बनती है इन प्रश्नों की. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम जिस फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, उसका सबसे पहला नाम है ALU. ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. ये पहले भी व्यापम में बहुत बार पूछा जा चुका है. फिर दूसरा हम यूज़ करते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज. तीसरा हम बात करते हैं ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दोनों फुल फॉर्म अगर आता है तो हम चूज़ कर लेंगे. ठीक है, फिर ATM नेटवर्क. ATM और ATM नेटवर्क में दो में फ़र्क है. कभी कभी ATM नेटवर्क पूछ देता है, कभी कभी ATM पूछ देता है. तो ATM नेटवर्क है एसिंक्रोनाइज ट्रांसफ़र मशीन. ठीक है, AGP का फुल फॉर्म है एसेलरेटेड ग्राफिक पोर्टल. ठीक है, BARC का है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ठीक है, बेसिक का है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म है पूरा. ठीक है, BC और सफिक्स में एक और सी का है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर कोई भी कार्बन कॉपी लेनी है उसके लिए. BIOS का है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. ठीक है, BCR का है बार कोड रीडर. जैसे मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो जहाँ पे जो स्कैन करता है हमारे बार कोड को, उसको बोलते हैं हम बार कोड रीडर. ठीक है, BMP का होता है बिट मैप. ठीक है, जो बिट का मैप होता है, बिट बाइट जो भी है, मेमोरी ये जो दिया हुआ है कंप्यूटर की मेमोरी का मैप, वैसी सबसे छोटी यूनिट जो होती है बिट होती है. ठीक है, कंप्यूटर की. BPI जो होता है वो बिट पर इंच होता है. बिट पर इंच मतलब ये भी एक मापने की यूनिट है जिसके द्वारा हम मापते हैं. ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो नेक्स्ट पेज में हमारा सबसे पहला है BPS. BPS का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड. ये भी एक मापने की यूनिट है. CAD मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. और CAM का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये CAM और CAD का यूज़ करते हैं हम. जैसे कोई इंजीनियरिंग किए होंगे जैसे आप में छात्र, तो वो लोग CAD और CAM का मतलब पता होगा. जैसे कि CAD ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, मशीन वगैरह की कोई कंप्यूटराइज ड्राइंग बनानी है 3D में तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, CDAC का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग. ठीक है, CCTV का होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न, जो हम CCTV घरों पे और ऑफिस में यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म है. CDMA का होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. ठीक है, डोबोल का यूज़ होता है, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है, कोमल का होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज. ठीक है, फिर उसके बाद CPI का होता है करेक्टर पर इंच. ये भी एक मापने की यूनिट है. करेक्टर्स को मापने की मतलब करेक्टर मतलब कि जैसे वर्ड्स सब मिल के करेक्टर बनता है वैसा. ठीक है, CPS होता है करेक्टर पर सेकेंड. ठीक है, CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब आपको पता ही होगा. CRT होता है कैथोड रे ट्यूब. CU होता है कंट्रोल यूनिट. CUI होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस. CoD होता है चार्ज कपल डिवाइस. ये व्यापम में पूछा जा चुका है 2018 में. ठीक है, और CIS होता है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर. CVT होता है कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर. DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. और DTP होता है डिस्क टॉप पब्लिशिंग. DPI होता है डॉट पर इंच. ठीक है, DDS होता है डिजिटल डेटा स्टोरेज. DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. DIMM होता है ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मोड. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं DML होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ये भी तीन बार व्यापम में पूछा जा चुका है. DVD होता है डिजिटल वीडियो या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. EXE होता है एक्सक्यूजन. ECS होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज.
EDP होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये भी व्यापार में 2017 में पूछा जा चुका है। फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन के लिए एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम फाइल को एलोकेट करते हैं उसके लिए हम टेबल बनाते हैं, उसके लिए है फैट। ठीक है, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FDM होता है फ्रिक्वेंटली डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक होता है जिस फॉर्मेट में हमारी फाइल आती जाती है या फिर कोई भी हम प्रोसेसिंग आगे के एल्गोरिथमिक प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और FILO का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, पहले जाना और लास्ट में जाना। FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की। ठीक है, फ्लॉपी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। ठीक है, ये भी GIF भी पूछ चुका है। GIF मतलब हम जैसे WhatsApp वगैरह में GIF भेजते हैं तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, GPRS होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कोई भी चीज़ का पोजिशनिंग जाननी है जैसे GPS सिस्टम हम बोलते हैं ना कि मोबाइल अगर गुम गया है तो GPS से ट्रैक कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो जो भी बोलते हैं वो GPS सिस्टम उसमें लगा हुआ रहता है। जैसे कि GSP की बात करते हैं हम तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस गारबेज इन गारबेज आउट, सॉरी GIGO का होता है, गीगो का होता है गारबेज इन गारबेज आउट, और GUI होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, ये फिर उसके बाद HDTV की बात करते हैं हम लोग। HDTV लेना HD तो हाई डेफिनेशन टेलीविज़न होता है HDTV का फुल फॉर्म। HP का होता है हेलेट पैकेज, ये आने के चांसेस कम है बट पढ़ सकते हो आप। IBM जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट वगैरह में ISO सर्टिफाइड रहता है तो उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है। सो आज के लिए इतना ही, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब कंप्यूटर की एक वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कल, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं लाने की कोशिश करूँगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जैसे छत्तीसगढ़ के वन लाइनर्स, करंट अफेयर वगैरह। सो आगे हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो हम कल कंप्यूटर के बारे में भी एक वीडियो डालेंगे और एक वीडियो वन लाइनर छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स से रिलेटेड भी कुछ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द, जो कि आपको आने वाले समय पे इस चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।